चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपका नीट का एग्जाम हो चुका है और मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा। अभी एग्जाम होगा, इसके बाद में रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। इसके बाद में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपके MBBS BDS एडमिशन के लिए। तो आपने काउंसलिंग अच्छी तरीके से करवानी है। और मैं आपको एक जरूरी अनाउंसमेंट ये कर देता हूं कि इस काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैंने बुक लिखी है, ऑल इंडिया कोटा की बुक लिखी है, स्टेट कोटा की बुक लिखी है और आयुष और वेटनरी की बुक लिखी है। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दी है, इसके बाद में सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ दिया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैंने एक लिस्ट दे रखी है, इसके मुताबिक टॉप से लोएस्ट के क्रम में आप कॉलेज फिल कर सकते हैं, यानी कौन सी कॉलेज आपको टॉप में फिल करनी है, उसके बाद में लो में कौन सी, डाउन में कॉलेज फिल करनी है, तो आप इस प्रकार से च्वाइस फिल में कॉलेज फिल कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, किस प्रकार से उसका प्रोसेस होता है, ये बिल्कुल मैंने अच्छी तरह से समझा रखा है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। हर एक स्टेट की टॉप कॉलेज से लो कॉलेज के क्रम में मैंने कॉलेजों को दिखाया है उसमें, और ये सजेस्ट किया है कि आपको किस क्रम में कॉलेज की च्वाइस फिल करनी है। स्टेट की काउंसलिंग में भी मैंने इस प्रकार की बातें बताई हैं और बहुत कुछ ऐसी बातें बताई है जो स्टूडेंट को उसमें जाननी चाहिए। अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग का लाभ लेना चाहते हैं तो आप हमारी बुक डाउनलोड करने के बाद में जो मेरे पास आपके मोबाइल नंबर आएंगे उस मोबाइल नंबर पर हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी और आप हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो मैं सोचता हूं कि ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो आप इसको हमारे इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, जो नीचे एरो का निशान लिखा है उससे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट chopraeducation.com chopraeducation.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एग्जाम होने के बाद में कट ऑफ क्या रहेगी, कितनी मार्क्स तक एडमिशन हो जाएगा। तो अभी एग्जाम हुआ है, मैं इसके कैलकुलेशन में लगा हुआ हूँ, बाकी बच्चों से मैं अभी रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, उनका पेपर कैसा रहा, कौन से क्वेश्चन का क्या उन्होंने आंसर दिया है, इसके बाद ही पूरा कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। क्योंकि जो मेरी बताई हुई कट ऑफ बिल्कुल एक्यूरेट जाती है, हर साल आप जो मेरे से पहले जुड़े हुए हैं उनको इस बात का पता है कि जो भी मैं कट ऑफ बताता हूं वो बिल्कुल एक्यूरेट जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में कट ऑफ के साथ में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।